आई लव सिकरदू। माशाल्लाह जी, शॉप चेक करें, ये है कल्चरल शॉप। ये तो फुल अर्थकल गाजी वाली फीलिंग आ रही है चाची, उसके ड्रामे में लोगों ने पहनी होती है इस तरह की। जो बादशाह मलिका ये वो पहनते थे, ये वो वाली रेंज है जी। आ गया जी हमारा खाना। भाई इसका क्या नाम था? प्रपु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। सिकरदू सिकरदू सिकरदू, वेलकम टू सिकरदू। भाई साहब, आपका भाई फाइनली इतने लंबी जर्नी के बाद, इतने लंबे सफर के बाद पहुंच चुका है सिकरदू। अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं सिकरदू कौन सी जगह पे मौजूद हूँ। बहरहाल ये पता है कि सिकरदू की एक मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, फ्रेश होके रूम से निकल के आपका भाई आ चुका है मार्केट की तरफ। अभी के सीन कुछ ऐसे हैं कि सिकरदू की मार्केट के बारे में आज जानना, सिकरदू का बाज़ार इसको आज एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें आज के दिन मैंने करनी है इंशाल्लाह। और आपको भी दिखाऊँगा कंप्लीट जो सिकरदू की मार्केट है और यहाँ के जो मामलात हैं। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी जी आपके भाई ने नाश्ता नहीं किया, मैं मौजूद हूँ सिकरदू की, ये को मेन रोड है मार्केट की, यहाँ पे कोई अच्छा सा नाश्ता पॉइंट देखते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर कोई शॉपिंग करनी है अपने लिए वो करते हैं, फिर उसके बाद आज जुमा है, नमाज अदा करनी है वो करते हैं। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाश्ता। फाइनली जी एक होटल नज़र आया है, वहाँ पे चलते हैं, चल के नाश्ता करते हैं और देखते हैं कि इनके मेन्यू में क्या कुछ है नाश्ते के लिए। सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है आपकी खैरियत से? नाश्ता मिलेगा? चलते जी होटल पे बैठते हैं। यहाँ पे कहाँ पे बैठा जाए? आई थिंक उधर बैठा जाए, वो बेस्ट रहेगा। ये आ चुका है जी भाई के होटल का मेन्यू और यहाँ से मैं अभी ऑर्डर करता हूँ जो कुछ मुझे दिल करता है। ये आ चुका है जी हमारा नाश्ता, आमलेट पराठा और चाय। अपना देसी सा नाश्ता जो है वो एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हो गया डन और मैं आया हूँ ये व्यू एंजॉय करने। चेक करें भाई साहब, माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है। यहाँ से सिकरदू के पहाड़ आपको सही करके नज़र आ जाते हैं यहाँ पे बैठ के ना। खुश्क पहाड़ है सिकरदू के। एक चीज़ मैं मतलब बहुत नोट किए, ऊपर पहाड़ खुश्क है लेकिन नीचे जो इलाका है ना ये लोगों ने खुद आबाद किया हुआ है माशाल्लाह से। अभी जी आपका भाई है यादगार चौक सिकरदू और यहाँ पे अब मैंने करनी है शॉपिंग। यहाँ पे शूज़ की को मार्केट मुझे सही नज़र नहीं आई, जहाँ पे शॉप्स इकट्ठी इकट्ठी नज़र आती हैं फिर वहाँ पर उतरते अपने लिए शूज़ परचेज करने। जो मैं पहन के आया था ना शूज़, उनका काम अभी तक ख़राब हो चुका है। भाई इस जगह का नाम यादगार चौक ही है, यादगार चौक सिकरदू। और इस रोड का क्या नाम है? ये जो रोड है ठीक है, ठीक है ठीक ठीक हो गया। इसके आगे हुसैनी चौक है, उसके आगे है जामा मस्जिद। तो जो शूज वगैरह की दुकानें ज्यादा हुसैनी चौक में हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी सीधा यादगार चौक से हुसैनी चौक में। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार सिकरदू आ रहे हैं तो कभी भी ये मत समझिएगा कि सिकरदू कोई छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर है जी। बाइक पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही। जुमा है शायद इस वजह से या क्या वजह है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ की मार्केट में ही मौजूद हूँ, ये चेक करें ना मार्केट में रश कितना ज़्यादा है। तो अभी यहाँ की मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। शूज़ की शॉप्स ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रही मुझे। यहाँ पे किसी भाई ने बताया कि इस तरफ जो अंदर रोड जाता है ना उस पे, तो बाइक मैंने यहाँ पे बाहर पार्क किया है और अब चलते हैं वहाँ पर अंदर जाके अपने लिए शूज़ परचेज़ कर लेते हैं। अभी जी इस मार्केट में आपका भाई आ चुका है, रश चेक करें कितना ज़्यादा है, बाइक ही बाइक लगे हुए हैं इस पूरी मार्केट में। अंदर चलते हैं, शूज़ की शॉप वगैरह यहाँ पे हैं वैसे काफ़ी। उम्मीद है कि मुझे मेरी मर्ज़ी के कोई लाइट से जॉकर्स मिल जाएंगे। इधर चलते हैं इन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं सर? ठीक है आपकी खैरियत से हैं? आपकी शॉप से शूज़ परचेज़ कर रहे हैं, व्लॉग बना सकते हैं साथ में? हाँ मैं कहा क्या पता भाई बोले ना, अपने जॉकर चाहिए मुझे अपने लिए, मिलेंगे? हाँ जी आ चुके हैं जी हम पहली शॉप सिकरदू की। इससे पहले मैं किसी भी शॉप के अंदर एंटर नहीं हुआ मतलब शॉपिंग करने के लिए। इस तरफ लगे हुए भाई के पास जॉगर वगैरह चेक करते हैं। उस शॉप में भाई के पास जॉगर्स नहीं पड़े हुए थे, भाई कहते हैं सीज़न एंड हो चुका है तो अभी आपको मिलना मुश्किल है। हम कोई और शॉप देखते हैं और फिर ढूंढते हैं अपने लिए भाई को, अच्छे से मिल जाए तो बेहतर होगा। ये जो मार्केट थी जी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, तो इस चीज़ को फिल वक्त के लिए करते हैं स्किप। अब
अपनी शॉपिंग स्किप कर दें जी, कल्चरल शॉप मुझे नजर आया काफी देर पहले, मैं देख के गया था ये वाली शॉप, यहाँ पे अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं यहाँ पे, चले ना अंदर। माशाल्लाह जी शॉप चेक करें, ये है कल्चरल शॉप, मुझे मतलब इसमें कल्चरल चीजें नजर आई हैं काफी, तो मैं कहा इस शॉप को विजिट करें और कोई चीज जो हमें पसंद आए वो यहाँ से परचेज करें। ये चाचू हैं, इनकी शॉप है। चाचू कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, ठीक है आपकी खैरियत से? ये सारा जो सामान आपने रखा हुआ है ये कल्चरल वाइब देता है, तो ये यहीं पे बनता है या इसकी क्या तरतीब है? थोड़ा इधर भी बनते हैं, थोड़ा आगे पीछे से भी आता है, थोड़ा आगे पीछे से भी आता है। सर यहाँ की सबसे कल्चरल चीज़ क्या है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है? यहाँ की स्टोन है। स्टोन, ये चेक करें ना जी पत्थर, इनमें सबसे ख़ास कौन सा है चाचू? आए ना आप अंदर, को शॉपिंग भी करेंगे हम आपसे। ये आपकी वीडियो तकरीबन 1 लाख बंदा कम से कम भी देखेगा। इस तरफ काफी सारे स्टोन्स लगे हुए हैं जी, ये चेक करें आप। सबसे खास कौन सा है चाचू इनमें? इनमें हमारा लोकल है, कोमरीन है। क्या नाम है उसका? अकोमरीन। अकोमरीन, हाँ जी, जमरूद है। बाहर निकाल के दिखाएंगे। बाकी ये अंगूठी है स्पेशल। कौन सी वाली? ये सब चांदी की बनी हुई है। चांदी की, अच्छी नगीना लगी। सही सही सही, कोई एक स्पेशल चीज निकाल के दिखाएं अपनी जो कि बहुत खास हो। बाकी ये नीचे तो आर्टिफिशियल लगे हुए हैं। सही, ये हैं जी, इसमें बरात चुराने में घोड़े हैं, वो तो छोटे छोटे घोड़े हैं। सही, तो ये है ना क्या कहते हैं उसको, मारखोर है ये। सही, किधर? इधर लगे हुए हैं नीचे, ये चेक करें जी, चीजें बनी हुई सारी माशाल्लाह से। उधर वो चेक करें, और अभी तस्बी है, ये तस्बी ये यहाँ की बनी हुई है, रियल स्टोन का है ये, लाजवर्द असली स्टोन की बनी हुई तस्बी है जी। ये कौन सा पत्थर है चाचू जी से ये बनी हुई है? लाल लाजबर, लाजबर लाजबर से बनी हुई है जी। ये हमारा है तस्बीह, एक ये भी इधर के पत्थर से बनी हुई है माशाल्लाह। और ये सारी चीजें इधर सकर्दू में बनती हैं या मतलब साथ साथ? सारी नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है। सही 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 सही, सही। बाकी आर्टिफिशियल हैं कुछ, जिस तरह ये यहाँ पे बनती है। सही, ये अकीक की तस्बीह, ये अकीक की तस्बीह है, ये चेक करें जी। और वो जो कैप्स है चाचू, वो छोटी कैप्स, ये दिखाएं हाँ जरा, जीरो साइज, हाँ दिखाएं जरा, ये कैप चेक करें जी, कल्चरल कैप है ये। यहाँ पे भी ख्वातीन पहनती है चाचू? ये पहनती हैं। और ये तो बहुत सारे मर्द हजरात को देखे मैंने, वो दिखाएं जो आपके हाथ में है, ये चीज, ये कर्दू और लद्दाख वाले पहनते हैं ये आज भी? कम कम पहनते हैं, हम पहन के चेक करते हैं ना, हम पहन के चेक करते हैं कैसी लगती है मुझे ये। अच्छा, ये फिट आ रही है मुझे चाचू ये साइज में? ये यही हो, ये चेक करें जी, यहाँ की कल्चरल कैप आपके भाई ने पहन लिया है। ओह सामने रहा आपका भाई, ये तो फुल अर्थकल गाजी वाली फीलिंग आ रही है चाचू, उसके ड्रामे में लोगों ने पहनी होती है इस तरह की। ये कितने की दे रहे हैं आप ये कैप? ऐसे ये महंगा है, ये कितने का होता है ये? 2500, 2000, ये वाला सस्ते, ये सस्ते हैं, ये 2500 का है। सही, ये सस्ते हैं, ये 400-500 वाला है, ये 400-500 वाला है, चेक करें जी ये। लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, मतलब के पहने का क्या बंदा, लेकिन थोड़ा मतलब हो जाता है कल्चरल सा सीन ये, ऐसे आई थिंक आएगी ऐसे। सही हो गया, चले अभी हम अपनी शॉपिंग की तरफ आते हैं। ये बच्चियों के ड्रेस पड़े हुए हैं, हमारी एक शहजादी भी है घर में, उसने मुझे बोला था कि बाबा मेरे लिए आपने इस तरह का सूट लेके आना है, इस तरह का, तो उसके लिए स्पेशल शॉपिंग के लिए मैं आया था। ये अंगूठियां चेक करें जी, चाचू दिखा रहे हैं। चाचू ये आपके उसके मुताबिक कौन लोग पहनते थे पहले? ठीक 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 ठीक, जो बादशाह मलिका ये वो पहनते थे, ये वो वाली रिंग है जी, उस डिजाइन पे ये बनी हुई है। सही सही, और एक और चीज चाचू ने मुझे दिखाई है, ये है जहर मोरा, यहाँ का एक बहुत ज्यादा कीमती पत्थर है। इसके बारे में बहुत सारी बातें भी की जाती हैं कि इसको पहने तो पता नहीं जहर बंदे को असर नहीं करता, वो बहरहाल
कोई ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ ये है कि ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा होता है और ये यहाँ का मतलब ये यहाँ का है अपना पत्थर है ना पहाड़ों का, तो इस वजह से यहाँ से ये इजीली आपको मिल जाता है। केटू के नज़दीक, केटू के करीब से ये पत्थर निकलता है जी। ये पत्थर है, ये कौन सा चाचू? ये भी इधर। वाह क्या खूबसूरती है इसकी माशाल्लाह। सही सही सही। ये कितने का देते हैं आप? 300 का। ये मतलब वो की चेन है ना? हाँ सही सही सही। चाचू के पास हमने शॉपिंग की है जी और ये स्पेशल कावा आ चुका है। चाचू ये इधर का स्पेशल है कोई कावा? जी जी जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ट्राई करते हैं इसको। ये थोड़ा कड़वा है। ये किस चीज से बनता है यहाँ की कोई? ये थोड़ा जड़ी बूटी भी डाल, जड़ी बूटियां भी डाल जी। कावा इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं शॉप से, क्योंकि शॉपिंग हमने क्लियर कर ली है यहाँ से। ये हो गई जी हमारी शॉपिंग। ये कैप मैंने परचेज कर ली है, उसके साथ मोहम्मद के लिए कोई स्पेशल एक वो चीज़ परचेज की है। ये आ गया मोहम्मद के लिए स्पेशल किस्म की। बस ठीक है, इसको पैक ही रखें चाचू। और छोटी शहजादी के लिए भी परचेज कर लिया सामान। चाचू आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके अखलाक के लिए। अल्लाह सलामत रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शॉपिंग करने के बाद आपका भाई आ गया था जी रूम में और अभी मैं हूँ बेनज़ीर चौक में। तो यहाँ से इस तरफ है सिकरदू सिटी, वहाँ पे है मस्जिद, वहाँ पे जाके अदा करते हैं जुमा की नमाज। एक मस्जिद है जी इस साइड पे, इस पे अभी जुमा नहीं हुआ। इधर एक मस्जिद है बड़ी खूबसूरत सी इधर बैक साइड पे, वो मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा। उस पे जुमा की नमाज हो गई है। मैं सोच रहा था उसके लिए कि वहाँ पे आके जुमा पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पे कहीं 1 बजे जुमा हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाके जुमा की नमाज अदा कर लेते हैं। मस्जिद के करीब आ चुका हूँ जी और अभी चलते हैं मस्जिद में। मस्जिद बनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज पढ़ के आपका भाई वापस सकद्दू शहर की मेन रोड पे आ चुका है। अभी भूख बड़ी सख्त और शिद्दत वाली लगी हुई है, चलते हैं कहीं को खाना खाते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर आपको पता है कि सकद्दू की स्पेशल चीज़ क्या है खाना पीने की, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। किसी से पूछिए ना कोई स्पेशल चीज़ यहाँ की खाते हैं जो कि यहाँ की फेमस हो। आपका भाई एटलीस्ट पूरा सकद्दू शहर घूम चुका है, लेकिन यहाँ की कोई ट्रेडिशनल चीज़ खाने पीने वाली मुझे ना मिली। बस ये नज़ारे मिले देखने को, तो बस आप भी यही नज़ारे इंजॉय करें। और बड़ा ढूंढा मैंने कि कोई चीज़ को याक का गोश्त भाई कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं। तो आप जो भी लोकल यहाँ पे जो भी अवेलेबल है किसी भी होटल पे बैठ के खा लेते हैं। खाना शाना खाया जी, कबाब बने हुए थे वो खाए यहाँ पे एक लोकल होटल पे, और मैं पहुँच गया सकद्दू की एक और मेन जगह पे। चेक करें जी, ये है सकद्दू का फुटबॉल ग्राउंड, उस तरफ है पोलो का ग्राउंड और सामने आपको नज़र आएगा अभी। ये चेक करें जी, आई लव सकद्दू। और सच में भाई साहब सकद्दू से एक मोहब्बत है, सकद्दू में आने का एक शौक़ था, एक जुनून था, और वो पूरा भी हुआ। यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बैक साइड पे आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही होगी, और यहाँ के पहाड़ जो है ना भाई वो बिल्कुल खुश्क पहाड़ है। सकद्दू के इर्द गिर्द जितने भी मैंने देखे वो सारे खुश्क पहाड़ हैं। सकद्दू में बंदा आए और ड्राई फ्रूट्स ना लेके जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी एक ड्राई फ्रूट की शॉप मेरे सामने है, यहाँ पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। आप तो भाई पूरी बोरी खोल के बैठे भाई। ठीक है सर, ठीक है, बना लो वीडियो, इशू तो नहीं है। ठीक है, ये है जी ड्राई फ्रूट्स की शॉप। यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह पता करते हैं यहाँ के कौन कौन से सकद्दू के अपने ड्राई फ्रूट्स हैं और कौन से बाहर के हैं। बहरहाल यहाँ से कोई परचेज करते हैं और फिर निकलते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक हैं सर, ठीक है। आपकी खैरियत से हैं? लोकल प्रोडक्ट्स दिखाएं सबसे पहले, आपकी लोकल कौन कौन सी यहाँ की जो है? यहाँ के
कि सबसे पहले खुबानी है सर यहाँ का स्पेशल। खुबानी है यहाँ का स्पेशल, इसमें 4-5-10 क्वालिटी होती है। ठीक हो गया। ये बादाम वाला खुबानी है, इसके अंदर घेरी होता है। किस तरह देते हैं आप ये? ये आपको 650 रुपये के जी। 650 रुपये के जी। ये कितनी है? ये हाफ के जी। ठीक हो गया। और वो जो ऊपर खुबानी पड़ी हुई है वो सेंटर में? ना 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 ना, दूसरी ऊपर। ये किस तरह दे रहे हैं आप? 400 रुपये के जी। उसके साथ जो पड़ी है वो आपको मिलेगा 600 रुपये के जी। 600-400 वो भी ले आए हैं जरा। हाँ, ये सामने है। ये शुगर फ्री होता है ना? सही सही सही। ये भी यहाँ की लोकल है? और कौन कौन सी चीज़ें हैं लोकल यहाँ की? ड्राई चेरी यहाँ का स्पेशल है। हाँ, ड्राई चेरी दिखाएं। हाँ जरा, ड्राई चेरी। भाई साहब, चेरी के तो लवर बहुत ज्यादा हैं, और ड्राई चेरी ये आ चुकी है। इसको खोलें जरा। किस तरह है ये? ये 500 है सर। ये तो यहाँ की लोकल के ना। ये आ गई चेरी जी ड्राई हुई। इसको ट्राई करते हैं पहले। बिस्मिल्लाह। नाइस, माशाल्लाह, सही है भाई। आपके पास सलाजीत है? किधर है वो दिखाएं। और सलाजीत के बारे में भी बताएं, ये कहाँ से आती है और क्या प्रोसेस होता है इसका? पूरा बाल्टी चेक कर लिया। ये है सलाजीत आपके पास, पूरी बाल्टी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। तो ये कहाँ से आती है? ये यहाँ के पहाड़ों से आती है ना। पहाड़ों से? पहाड़ों का पसीना कहते हैं इसको। पहाड़ों का पसीना कहते हैं। सही। और ये जब आती है तो रॉ फॉर्म में होती है? मटेरियल रॉ फॉर्म में होती है। सही। वो है आपके पास वो फॉर्म? वो इधर नहीं है, स्टोर में होती है। सही। वो रॉ मटेरियल घर मिला के इसमें प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं। कितने टाइम में तैयार हो जाती है? कम से कम इसको बनाने में 1 महीना लगता है। 1 महीना लगता है। सही। तो ये है जी सलाजी, टाइम भी लगता है। और ये इतनी कितने की देते हैं आप? ये आपको मिलेगा, ये 40 ग्राम की बोतल है, आपको 2500 रुपये। ये 2500 रुपये की 40 ग्राम की बोतल। तीन क्वालिटीज मिलेगी सर, छोटी वाली भी है, अच्छी वाली भी। छोटी सबसे छोटी वाली सर, ये 500 की है। ये 500 की है। ये यही चीज़, लेकिन सिर्फ ये कम है। ये कम है, वैरायटी में कम है, क्वांटिटी में कम है। सही 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 सही। ये कितने की? ये 500 की दे रहे हैं। ठीक हो गया। आपने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स यहाँ की देखी होंगी। अब जो कुछ मुझे लेना है मैं कैमरा ऑफ करके वो सारा परचेज कर लेता हूँ भाई से। यहाँ की एक लोकल प्रोडक्ट जो कि मुझे भी याद है जी, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको किलाओ बोलते हैं। किलाओ? किलाओ जी। किलाओ। ये अखरोट के ऊपर क्या चीज़ चढ़ाई होती है? अंगूर का रस अखरोट के ऊपर चढ़ाते हैं जी, और ये बनता है किलाओ। ये थोड़ा सा तोड़ के मुझे दें, मैं इसको चेक करूँ। ये लास्ट टाइम जब मैं गया था ना ये बकवाल भाइयों के पास थे, तब मैं लेके गया था, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था। ये आप कर लें पैकेट। ठीक है, अखरोट भी हो गए। ये अखरोट इधर गए भाई? इधर गए, स्कर्दू के। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं। मैंने एक चीज़ इंटरनेट पे एक मतलब देखी थी कि यहाँ के लोग कुछ जैम वगैरह बनाते हैं। जैम सारा लोकल यहाँ पे है। चेरी का जैम है, अच्छा खुबानी का जैम भी मिलेगा आपको, प्रिंस का जैम, प्लम का जैम, सारा यहाँ का लोकल ऑर्गेनिक लोकल बना हुआ है। जी जी जी। इसमें कोई केमिकल नहीं। सबसे टेस्ट में बेहतर कौन सा जैम है आपके पास? बेस्ट वाला चेरी का है। चेरी का वो एक ले आए मेरे लिए। चेरी वाला जैम दिखाएं जरा। ये है जी चेरी का जैम, और ये यहाँ पे लोकली बनाया जाता है। टेस्ट जैसा भी हुआ इसको मैं घर जाके चेक करूंगा, अभी इधर नहीं चेक। भाई और भी लोकल प्रोडक्ट्स ले हैं क्या? एनर्जी बार। ये एनर्जी बार है, इसमें अखरोट बादाम खुबानी अलमोंड सब मिक्स करके बनाया हुआ है ना। ये बनाया हुआ आपने, कितने का देते हैं आप? ये 150 के, 150 रुपए। ठीक है। और ये? ये दो लट्टी खिलाओ वाले हैं ना, वो इसी टाइप का ही है, लेकिन ये थोड़ा सही सॉफ्ट है बिल्कुल। ये क्या चीज है? इसका टेस्ट है, ये दो लट्टी खिलाओ का इसका टेस्ट है। अंदर रशी है। चले जी, इसका टेस्ट भाई ने दिया, ये चेक करते हैं बिस्मिल्लाह करके। यकीन जाने वाकई में कमाल। ये कौन सा वाला है? ये वाला है। ये कितने का दे दिया? 200 का। ये परचेज करते हैं जी, बहुत टेस्ट, मतलब इसका लेवल का टेस्ट है। मुझे यकीन है अगर ये पड़े हुए हुए ना घर में तो भाई आपका डेली यूज करेगा ये। पूरा दिन मैं ढूंढता रहा कि लोकल फूड कहाँ से मिलेगी, लोकल फूड कहाँ से मिलेगी। तो ये एक होटल पे मैं आया हूँ, यहाँ पे ये इनकी लोकल फूड्स के नाम हैं जी, प्रप्पू, फुरफुर, मटन क्रोम्बो कढ़ाई लिखा हुआ भाई, ये कश्मीरी यखनी, हरीसा, पुनार चटनी, पुनार चटनी, पुनार स्पेशल सूप, और ये क्या है, रुदुंग बाले, रुदुंग बले, उजू, क्या जी, क्या नाम होता है इसका, ट्रोबले,
ये गंदम से बना होता है, सही है। बाकी ये भाई भी यहाँ पे आए हैं, ये भी खाना खाने के लिए। इन्होंने मुझे रिकमेंड किया है इन दो चीज़ों में से एक खाऊं। प्लपू और फुरफुर, ये दो चीज़ ना बहुत ही टेस्टी होती है। प्लपू और फुरफुर, ठीक हो गया, बड़े मजे का। तो हम क्या खाएं, आप क्या कहते हैं, फुरफुर या प्लपू? आप दोनों ना पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें, ठीक है, बहुत मजे का, फिर आप खाएं। चलें, ये अभी होटल वाले भाई साहब आए ना, फिर उनसे पूछते हैं कि हमें इनमें से कौन सी चीज़ अवेलेबल होती है, फिर वो खाते हैं, ताकि गिलगित बल्तिस्तान की जो खास करके स्कर्दू की जो लोकल फूड है ना, वो भी हम ट्राई करके जाएं यहाँ से। ये आ गया जी हमारा खाना। भाई इसका क्या नाम था? प्रपू, प्लपू कहते हैं इसको या प्रपू? प्रपू, आर। ये आ चुका है जी हमारा खाना, इसको मैं ट्राई करता हूँ। इधर ले आना, इधर रखें इसको। ये है जी प्लपू या प्रपू, जो भी इसका नाम है। ये रहा ट्रेडिशनल फूड और इसका कलर है को ग्रीन ग्रीन। अभी इसको ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाएंगे कैसे वैसे, इसको ट्राई करते हैं। मेरी तो समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आया जी, मैंने इसके सिर्फ दो बाइट लिए हैं, बस हो गई, मतलब नहीं खा सकता मैं ये। पता नहीं ये है इस तरह का, इसका टेस्ट कुछ इस तरह का अजीब सा टेस्ट है जी, मतलब बंदा खा नहीं सकता ये, और या फिर इन्होंने गलत बनाया हुआ है, कोई पता नहीं। ये पुनारिन होटल है, समझ नहीं आया, पैसा बर्बाद। आपका भाई जी ये पैक करवा रहा है, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मैं उनको चेक करवाऊँगा कि ये सच में ऐसा इसका टेस्ट होता है या फिर मुझे अजीब लग रहा है, तो उनसे भी इसका मैं रिव्यू जाके लूँगा। चलिए भाई ये पैक कर रहे हैं, दिल के अरमान जा आंसू में बह गए हमारे। पार्सल करवा लिया जी प्रभु हमने, अब इधर हैं वो लड़के जाने वाले, उनको टेस्ट मतलब टेस्ट करवाएंगे, उनको टेस्ट करवाएंगे कि भाई ये सीरियसली इसका ऐसा ही टेस्ट होता है या फिर मुझे अजीब लग रहा है। तो अगर जेन्युइन ऐसा ही टेस्ट हुआ तो फिर होटल वालों की क्या गलती, तो अगर ऐसा ना हुआ हुआ तो फिर इनकी गलती काउंट करेंगे। ऐसे लगते नहीं हैं ये, अच्छे लगते हैं होटल वाले। ये यहाँ के लोकल भाई हैं जी, अब हम इनको टेस्ट करवाते हैं कि ये चेक करें ये कैसी है, मतलब मुझे तो इसकी टेस्ट की कुछ समझ नहीं आई भाई, आप चेक करके बताएं। सही बनी हुई है? जबरदस्त बनी हुई है, ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा इसमें वो नहीं डाला, गिरी नहीं डाला, ठीक है, गिरी डालते इसमें और टेस्ट आता, और टेस्ट आता। एक और खा लूं, एक और आप ये खाएं पूरा, मैं खा नहीं सकता, मैं तो ऑर्डर करके ले आया हूँ, अब मैं फिर ट्राई करता हूँ। ये अपने भाई कैमरा इधर मेरे तरफ लगाए, शायद ये गर्म थी उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं लगी, अब मैं ट्राई करता हूँ। उस टाइम तो मैंने खाई है ना, मैं मतलब बड़ी समझ में नहीं आती असल में। ये जो ये देसी से बने होते हैं ना, आपको ये बनाते किस तरह पता है? आपके बता, इसको जो खाने का जो मजा है ना इसमें नहीं है। हाँ। ये तो मैंने रहमन आपके सामने खाइए, इसको जो मजा जो हाथ डाल के जो है ना, जैसे मैं खा रहा हूँ उसमें मजा। ये बनते एक आटा, नहीं आटा, आटे से इस तरह वो बोल इस तरह ये बनाते, फिर इसको ऑयल डाला, ऑयल में फिर ये अखरोट नहीं है, अखरोट भी इसमें मिक्स करते हैं, गिरी भी करते हैं, बादाम भी करते हैं। इसमें उसने सिर्फ अखरोट डाले हुए हैं या नहीं? इसमें इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है, मेरे इसमें डाला, मतलब आटा डाला हुआ है, कोई मसला नहीं है ना, आटा तो डाला हुआ ना, आटे के बगैर कैसे होगा? नहीं बनता, गिरी इसने ऐड किया मगर बहुत कम है, बहुत कम है। ये मेरी तरफ से आप खा लें, नहीं नहीं मैं ये खा नहीं सकता, मसला ही है सर, खाए ये वेस्ट हो जाएगी, जो खाए नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं उधर होटल पे ट्राई करके आया हूँ, पहले मैंने ऑर्डर किया शौक से ट्रेडिशनल फूड, लेकिन मेरे मतलब हार्ड हुआ है, हाँ समझ देना एक टेस्ट हो, ये आप खा लेंगे